हेलो दोस्तों, तो अभी आईपीएल का सीजन में अभी जियो सिनेमा पर जब आप आईपीएल देख रहे हो तो वहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन एरर आ रही है। तो इस ब्लैक स्क्रीन एरर को आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो देखते रहिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको आपका फ़ोन में सेटिंग को आपको ओपन करना है, और सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट पर आपको जाना है। हेलो दोस्तों, अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहे हो और आपको व्यू नहीं आ रही है तो आप टेंशन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सॉरीफुल स्टोर पर आप बहुत सारे व्यू ले सकते हो, वो भी जेन्युइन से, और आपको मोनेटाइज भी ऑन हो जाएगा। तो अभी आप प्ले स्टोर में जाओ और सॉरीफुल स्टोर ऐप को डाउनलोड करो और उसको यूज़ करो और आपका यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करो। अभी जाओ प्ले स्टोर में और अभी डाउनलोड करो। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पर आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस पे आके आपको एक्सेस पॉइंट नेम पर आपको जाना है, और एक्सेस पॉइंट नेम पर जाने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट है तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे रिसेट टू डिफॉल्ट पर आपको क्लिक करना है, और एक करने के बाद थोड़ा यहाँ पे रजिस्टरिंग होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी कुछ सेटिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपको यहाँ से आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे तो बैक आना होगा, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे आपको ऐप्स पर आपको जाना है, और किसी किसी फ़ोन में आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट में मिल जाएगा। तो मेरे यहाँ पे ऐप्स है, नोटिफिकेशन है, तो मैं इस पर आपको अभी जाता हूँ। और इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सी ऑल ऐप्स पे जाके मैं यहाँ पे आप आ गया। फिर आप मुझे यहाँ पे जियो सिनेमा एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे शायद जियो सिनेमा ऐप को ढूंढ लेता हूँ। और ढूंढने के बाद आपको यहाँ पे इसको ओपन करना है, और आपको यहाँ से इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड कैश पर जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्लियर कैश पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर स्टोरेज पर जाना है। फिर आपको यहाँ से इसको ओके करना है, और एक करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है। और बैक आने के बाद आपका फ़ोन में जो प्ले स्टोर है तो आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको आना है। और तो शायद मैं यहाँ पे सर्च कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो अपडेट शो होगा तो आपको इसको अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा।